हेलो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला और वो भी विजुअली तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट एक्सेस पे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब टू डायमेंशनल कार्टिशन कोऑर्डिनेट एक्सेस पे दो पॉइंट दिए गए हों एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू तो उनके बीच में डिस्टेंस होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बच्चों आइडियली अगर मैंने दो पॉइंट लेट से पी पॉइंट को वन कामा थ्री पे फिट कर दिया और क्यू पॉइंट को सिक्स कामा फाइव पे फिट कर दिया तो मुझे पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एक बेहतरीन सा जेटअप नज़र आ रहा है कि इस पी क्यू को हाइपोटनस एज्यूम करके मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की कल्पना कर सकता हूँ बच्चों अगर यहाँ ध्यान से देखो तो क्यू पॉइंट का जो हाइट है एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है तो क्यू पॉइंट का हाइट यहाँ पे पांच हो गया तो इस पॉइंट के और क्यू के बीच की जो दूरी होगी वो वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा पी और क्यू पॉइंट का तो क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइव था और पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट थ्री है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 minus 3, क्या हो गया 2. इसको मैं डेल्टा कह सकता हूं। और ये मेरा कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का जो कि सिक्स और फाइव है रेस्पेक्टिवली okay. सिक्स में से आ, वन कि एक्स कोऑर्डिनेट है क्यू पॉइंट का और वन

तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम P और Q का पोजीशन चेंज करके डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल कैसा भी हो पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो करेगा ही तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है टेक्निकली इज डिराइव्ड एंड डिड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम एक पुराना थ्योरम था जिसको हमने बहुत पहले से सीख रखा था डिस्टेंस फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का ही एक नया वर्जन है होप यू लाइक द वीडियो और भी ऐसे बहुत सारे विजुअल प्रूफ्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो